एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इसकी जो पहली एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड है कि सपोज करो आपके पास एक वायर है ना, एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, वो कंडक्टिंग वायर है। अगर आप उस कंडक्टिंग वायर को ऐसे घुमा दें, ये रहा, और करंट पास करें, करंट पास करें, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। तो सोलेनॉइड कुछ नहीं है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई होगी कभी, आपने सुना होगा एक कील ले लो, लोहे का कोई मेटल ले लो, उसके ऊपर तार घुमा दो तो वो एक सोलेनॉइड बन जाता है, राइट। तो सोलेनॉइड कुछ नहीं है, रिंग्स की फॉर्म में वायर को घुमाते जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? एक सोलेनॉइड। तो आपकी पहली एप्लीकेशन है कि इस सोलेनॉइड के एक्सिस के ऊपर, यहां पे, यहां पे, इसके अंदर जब करंट जा रहा है तो इसके एक्सिस के ऊपर आपको क्या निकालना है? बी निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बायट सेवर्ट्स लॉ से भी कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे नोट देखेंगे, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, मैंने एक शीट दे रखी है, मैं करवाऊंगा उसको नेक्स्ट टाइम, पर अभी नहीं, पहले मैं आसान तरीके से करवाऊंगा कि अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं तो हम इस सोलेनॉइड के अंदर भी निकाल सकते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले, भी निकालने से पहले, दो तीन चीज़ों का पता होना चाहिए सोलेनॉइड को लेके। पहली चीज़, सोलेनॉइड दिखती कैसे है? ये ऐसी दिखती है। दूसरी चीज़, सोलेनॉइड में जब करंट घूमेगा, सोलेनॉइड में जब करंट घूमेगा, मान लो ये एक सोलेनॉइड है और ये इसके अंदर तारे मैंने लपेट दी, वायर लपेट दी और करंट पास कर रहा हूँ, तो जिस तरफ से, ये इंपॉर्टेंट है, जिस तरफ से मान लो मैंने करंट यहाँ से उस तरफ भेजा, आपकी तरफ भेजा, तो अगर यहाँ से करंट मेरा क्लॉकवाइज गया, क्लॉकवाइज गया, पर आपके एंड पे आपको क्या नज़र आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंड पे करंट आपको क्लॉकवाइज नज़र आएगा, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो इट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट, तो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, और अगर मैग्नेट की तरह काम करेगा तो मैग्नेट के पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जो एंड आपको साउथ पोल की तरह करंट दिखा रहा है, और सॉरी, जो एंड आपको क्लॉकवाइज करंट दिखा रहा है कि करंट इसमें कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो वहां पर जो पोल इमेजिन करूंगा मैं, इमेजिन करूं यहां पोल है, तो वो पोल क्या इमेजिन करेंगे? साउथ पोल। तो क्लॉकवाइज अगर करंट दिख रहा है तो वो पोल इमेजिन करेंगे साउथ पोल, पर आपकी तरफ वो क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी तरफ पोल क्या नजर आएगा आपको? नॉर्थ पोल। ये पहला पॉइंट है कि अगर आपको यहां से करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये साउथ पोल इमेजिन करना है आपने, तो ये आपका साउथ पोल है, और यहां पर अगर वो साउथ है तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। हालांकि ये एक बार मैग्नेट नहीं है, पर आप इमेजिन कर सकते हो इसे मैग्नेट की तरह। तो मैग्नेट के, क्योंकि पोल्स होते हैं, और बार मैग्नेट के पोल्स कैसे होते हैं ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए साउथ और नॉर्थ की एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, कोई भी अगर बार मैग्नेट हो, है ना, बार मैग्नेट समझते हो, ये आपकी एक बार मैग्नेट है, एक बार की तरह, जिसमें पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो एक बार मैग्नेट है जिसमें दो पोल्स होते हैं। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमेजिन की थी, कहाँ से स्टार्ट होती थी? पॉजिटिव एंड से, पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ खत्म होती थी, एंड कहाँ होती थी? नेगेटिव चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। वैसे ही मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड्स एट साउथ पोल। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बार मैग्नेट पे कहाँ से स्टार्ट होती हैं? नॉर्थ से, और एंड कहाँ पर होती हैं? साउथ पे। ये इसकी प्रॉपर्टी है। पर यहाँ पर क्योंकि बार मैग्नेट तो है नहीं, यहाँ पर तो सोलेनॉइड है, और मैंने भी उसको क्या मान लिया? एक मैग्नेट की तरह, और जिसमें मैंने पोल्स बनाए नॉर्थ एंड साउथ, मैंने पोल्स बनाए नॉर्थ एंड साउथ। तो एक काम करते हैं, इसमें मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करता हूँ कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होंगी। मैंने क्या बताया? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? नॉर्थ से। कहाँ पर एंड होती हैं? तो चलो ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ से स्टार्ट की, साउथ पे एंड की। ओ प्रॉब्लम है, ये बार मैग्नेट थोड़ी ना, अंदर तो खाली स्पेस है और अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये रुकेंगी नहीं, ये वापस इसी को ज्वाइन कर जाती हैं। बार मैग्नेट में ऐसा नहीं था, बार मैग्नेट एक सॉलिड मैग्नेट था, अंदर भरा हुआ था, अंदर नहीं होता कुछ भी, नॉर्थ से साउथ, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो सोलेनॉइड में नॉर्थ से लाइन चली, नॉर्थ से लाइन चली साउथ तक गई,
साउथ तक गई, फिर इसके अंदर सोलेनोइड के अंदर साउथ से लाइन कहां ज्वाइन कर रही है, नॉर्थ को, जैसे नॉर्थ से चली साउथ पे गई फिर उसी को ज्वाइन कर गई कुछ इस तरीके से। तो मैं ये बोलूंगा कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती हैं, क्लोज्ड लूप बनाती हैं, क्लोज्ड लूप बनाती हैं, जबकि ऐसा नॉर्मली बार मैग्नेट में थोड़े ना होता है, उसमें नॉर्थ से स्टार्ट हो गए साउथ पे एंड हो जाती हैं खत्म, लेकिन सोलेनोइड में क्लोज लूप बनाती हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी वो क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाती थी, पॉजिटिव से स्टार्ट हो गए नेगेटिव पे खत्म होती थी, क्लोज लूप कभी नहीं बनाती थी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर ये करंट कैरिंग वायर है स्ट्रेट है तो करंट के साथ थंब है, तो इसमें जब फिंगर्स घूमेंगी वो क्या बनाएगी, कंसेंट्रिक सर्कल, और यही क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो करंट कैरिंग वायर्स आसपास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाती हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं। तो ये वो प्रॉपर्टी शो नहीं करती इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंसेंट्रिक या जो सर्कुलर लूप्स नहीं बनाती थी, क्लोज लूप नहीं बनाती थी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाती हैं। तो मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि कल को आपको अगर कोई डायग्राम, कोई भी डायग्राम दिखेगा ना सोलेनोइड का, तो आप ऐसा जरूर देखेंगे, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इसके अंदर करंट होगा, तो आप ये देख रहे हैं लाइंस, ये लाइंस क्या हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये नॉर्थ से स्टार्ट हो रही हैं और साउथ पे एंड हो रही हैं और अंदर ही अंदर जा रही हैं, नॉर्थ से स्टार्ट हो रही हैं साउथ और अंदर अंदर। तो कोई भी जब सोलेनोइड का डायग्राम आपको दिखेगा उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको ऐसी दिखाई देंगी, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे इसमें ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है। हालांकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अभी हमने स्टडी करनी है सी चैप्टर में, अभी हमने शुरू नहीं की, पर क्योंकि सोलेनोइड के डायग्राम आपको ऐसे बुक्स में दिखाई देंगे कि लाइंस ही लाइंस हैं, तो बस आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा साउथ है, क्लॉकवाइज करंट जहां दिखेगा वहां साउथ है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सोलेनोइड में क्लोज लूप बनाती हैं। ये दो पॉइंट्स हैं, क्लियर है यहां तक। अब तीसरा पॉइंट, इसमें मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर एक सोलेनोइड गिवन है, ये चेक करो, ये सोलेनोइड गिवन है जिसमें करंट है, ठीक है, और मैं ये जो रिजल्ट निकाल रहा हूं कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है, कहां पर, ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, ये सोलेनोइड का एक्सिस है और मुझे एक्सिस के ऊपर बी की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट, मुझे बी कहां निकालना है, सोलेनोइड के एक्सिस पे निकालना है, एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है सोलेनोइड में, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पे ही मिलेगा, क्यों मिलेगा मैं उसका आंसर भी दूंगा आपको दो मिनट बाद, ठीक। अब तीसरा पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट, सोलेनोइड की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, ये टॉपिक जो हम प्रूव करने जा रहे हैं ये एक लॉन्ग सोलेनोइड के लिए है। लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब होता है जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, एक इनफाइनाइट सोलेनोइड है या लॉन्ग सोलेनोइड्स है, क्लियर है यहां तक। तो इसकी लंबाई की कोई बात ना करें कितना लंबा सोलेनोइड है, हम इस सोलेनोइड का एक पार्ट लेंगे सिर्फ, हालांकि ये सोलेनोइड तो पीछे भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, पर हम बीच में एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे जिसके ऊपर काम करेंगे और बी निकाल लेंगे, राइट। मैं इस चीज का आंसर दे रहा हूं कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे मैक्सिमम क्यों होता है, सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, सोलेनोइड के अंदर ये क्या है, ये सर्कुलर लूप्स हैं, है ना, ये क्या चीज है, ये सर्कल ही सर्कल बने हुए हैं, एक सर्कुलर वायर दूसरी सर्कुलर वायर तीसरी चौथी एंड सो ऑन। अब सोचो एक सर्कुलर वायर में बाहर निकाल रहा हूं, ये आ गई ये सर्कुलर वायर, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो जब इसमें सर्कल में करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, चार फिंगर घुमाएं इसके साथ, जब चार फिंगर इसके साथ घूमेंगी तो चार फिंगर ऐसे घूमेंगी तो बी कहां आएगा, इस तरफ, फिर दूसरा लूप बाहर निकाल लो, दूसरा, दूसरे में भी करंट ऐसे जा रहा है, चार फिंगर इस तरफ, बी कहां, इस तरफ, तो पहली लूप में बी इधर, दूसरी लूप में बी इधर, तीसरी में बी इधर, चौथी में बी इधर, बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सारे बी 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 क्या हो जाएंगे, एड, तो नेट बी कहां आएगा, मैक्सिमम एट सेंटर यानी कि एक्सिस पे सबसे ज्यादा होगा, और हम भी कहां निकाल रहे हैं, ऑन दी एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि हम ये एक्सिस पे क्यों बोलते हैं कि सोलेनोइड के एक्सिस पे बी मैक्सिमम है, क्योंकि सोलेनोइड को आप ट्रीट कर सकते हो कि सोलेनोइड बहुत सारी सर्कुलर रिंग से बना हुआ है,
और बहुत सारी सर्कुलर जो रिंग्स हैं वो कैसी हैं, एक के बाद एक सर्कुलर रिंग्स हैं, हर कोई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस करता जा रहा है, अलोंग इट्स एक्सिस, अलोंग इट्स एक्सिस तो सारे ऐड हो जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम टुवर्ड्स सेंटर आएगा, राइट। नेक्स्ट है, इसमें अब मुझे क्या करना है, मैंने इसमें एक लंबा सोलेनोइड लिया, लॉन्ग सोलेनोइड लिया, मेरे को भी इसके एक्सिस पे निकालना है, तो मेरे को क्या यूज करना है, एम्पियर सर्किट लॉ, बाय सर्किट लॉ मैं कर नहीं पाऊंगा, तो एम्पियर सर्किट लॉ के लिए मुझे क्लोज लूप लेनी पड़ेगी, वो क्लोज लूप की शेप क्या होगी, सर्कल लो, रेक्टेंगल लो, टेढ़ी मेढ़ी लो, जो मर्जी लो, तो क्लोज लूप जो मैंने ली वो मैंने ये ले ली, एक रेक्टेंगल ली, कहां से कहां ली, इस एक्सिस पे ली एक लाइन, तो क्योंकि मेरे को भी कहां निकालना है, एक्सिस पे, तो एक लाइन तो एक्सिस पे लेनी बनती है, फिर मैंने ये ली, ये और ये लो, ये क्या ली मैंने, क्लोज लूप ली, और इस केस में सर्कल नहीं ली, इस केस में रेक्टेंगल ले ली, ये इमेजिनरी क्लोज लूप है, और जिसकी एक साइड इसके एक्सिस के अलोंग जा रही है, जहां पर मुझे भी निकालना है, मेरी मर्जी, मैं सर्कल लूं ना लूं, रेक्टेंगल सबसे आसान आसान रहेगा, तो मैंने वो ले ली, राइट। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, जो भी आपने क्लोज लूप ले ली, जैसे भी ले ली, उस पर क्या निकलेगा, बी डॉट डीएल। तो एक काम करते हैं, पी से लेके क्यू तक, पी से लेके क्यू तक बी डॉट डीएल, क्यू से लेके आर तक बी डॉट डीएल, आर से लेके एस तक बी डॉट डीएल, एस से लेके पी तक बी डॉट डीएल, तो टोटल बी डॉट डीएल क्या होगा, टोटल बी डॉट डीएल होगा P से लेके Q तक इंटीग्रेट करेंगे B डॉट डी एल, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, तो चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो P से लेके Q तक करेंगे B डॉट डी एल की इंटीग्रेशन, Q से लेके R तक करेंगे, R से लेके S तक करेंगे, और फिर S से लेके P तक करेंगे, ये स्टेप क्लियर है, तो आपके पास टोटल B डॉट डी एल आ जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में स्टार्ट करते हैं, B वेक्टर कहां पर है, टूवर्ड्स राइट, और डीएल वेक्टर भी ऑब्वियसली बी के साथ जाएगा टूवर्ड्स राइट, मैं पी से क्यू जा रहा हूं, तो पी से लेके क्यू तक बी वेक्टर और डीएल वेक्टर में एंगल क्या बनेगा, जीरो। तो पहला स्टेप क्लियर है, पी से लेके क्यू तक बी इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ जीरो, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट, अब क्यू से लेके आर तक डीएल कहां जाएगा, ऊपर, लेकिन बी कहां पर जा रहा है, राइट, तो बी और डीएल में क्यू से लेके आर तक एंगल क्या बनेगा, 90, तो इसका B डॉट डी एल तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्लियर है। नेक्स्ट, यहां पर B वेक्टर राइट है, लेकिन डी एल वेक्टर कहां आएगा, S से लेके P तक, यहां पर, तो फिर से एंगल क्या बनेगा, 90, तो S और P का भी एंगल क्या बनेगा, 90, तीन हो गया, चौथा रह गया R से लेके S तक, R से लेके S तक यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है, होती नहीं है, बहुत कम होती है, मतलब ऐसा नहीं कि होती नहीं है, होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे पाया जाता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है, बताता हूं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही जीरो रहते, मतलब काफी कम होता है, तो काफी कम जीरो प्लेस कर देते हैं, ये इसलिए जीरो हुआ बी डॉट डीएल में एंगल 90, ये इसलिए जीरो हुआ बी डॉट डीएल में एंगल 90, ये वैसे ही जीरो है क्योंकि ये एक्सिस बिल्कुल ही सॉलिड के बाहर लाई करता है, और ये मैंने कंसिडर कर लिया बी इंटू डीएल, और क्योंकि जो मैंने क्लोज पाथ लिया उसकी लेंथ मैंने क्या इमेजिन की, एल मैंने इमेजिन की है, एल मैं एंड में इसको इलिमिनेट भी करूंगा, तो जब मैं यहां पर बी, ये क्योंकि ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, तीन तो जीरो हो गए, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा b into integration of dl from p से लेके q तक, तो integration of dl आपको क्या देगी, b into l देगी, right? तो मेरे पास इस क्लोज लूप का b dot dl का फॉर्मूला क्या आ गया, सिर्फ b into l आ गया। अब काफी जगह ये लिखा हुआ है कि इसके बाहर सॉलिड, क्योंकि ये मेजर क्वेश्चन रह जाता है कि यार समझ नहीं आया कि सॉलिड के बाहर b जीरो क्यों हो जाता है, ठीक है, तो ठीक है ये समझ में आया, लॉजिक है 90 है, 90 है, इसका हमने कंसिडर किया, इसका ऐसे उठा के जीरो पुट, तो एक तो ये तरीके हम मान लें कि हाँ यार जीरो ही होता होगा, मैक्सिमम तो एक्सिस के ऊपर होता है। मैंने थोड़ा सा इसको ढूंढने की कोशिश की और सोचा कि इसको कैसे कर सकते हैं या ये कम हुआ क्यों, तो हुआ कुछ इस तरीके से कि ये सर्कुलर लूप्स हैं, इमेजिन करो ये सर्कुलर लूप्स हैं, कोई भी दो सर्कुलर लूप्स उठा लें जिसमें करंट ऐसे घूम रहे हैं, मानते हो जब करंट ऐसे घूम रहे हैं,
तो इमेजिन करो कि अगर कोई भी एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट ऐसे घूम रहा है, करंट है इसमें आए, तो इसके आसपास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे बनेगी? इसके आसपास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनती हैं, मानते हो ना? जैसे अगर मान लो ये एक वायर है, इसमें आई करंट है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बनती है? कंसेंट्रिक सर्कल्स बनती हैं, ऐसे ही होता है ना? तो उसी तरीके से ये एक लाइन है तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बनेगी? कंसेंट्रिक सर्कल्स ही बनते हैं। इमेजिन कर रहे हो यहां तक? अब इमेजिन करो ये एक सर्कुलर लूप है, करंट घूम रहा है, आए इसमें करंट घूम रहा है, तो ये जो करंट जा रहा है, तो ये जो करंट जा रहा है इस करंट के साथ थंब रखो, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बनेगी? कंसेंट्रिक सर्कल। इधर से भी कंसेंट्रिक सर्कल और इधर से भी कंसेंट्रिक। इमेजिन करो ये लाइंस, ये जो है वायर जा रही है, ये जो वायर जा रही है, इस वायर में यहां करंट जा रहा है आपकी तरफ, तो अगर ये करंट जा रहा है, मान लो ये करंट जा रहा है, तो थंब को करंट के साथ रखेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बनेगी इसके आसपास? कंसेंट्रिक सर्कल। तो इमेजिन करो दो लाइंस जा रही हैं, दो करंट जा रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। जब कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे तो कैसे बने? मान लो एक लूप ऐसे जा रही है, एक लूप ऐसे जा रही है, तो मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे थंब रखा, तो मान लो जैसे रिंग कहां पर है, जैसे ये रही, हाँ सपोज करो एक रिंग मैंने बाहर निकाल ली, ये रही निकल रही है, और ये मान लो एक एलिमेंट ले लिया इसका, ये वो पॉइंट है जहां पर बी निकालना है, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो मैंने जब थंब को यहां रखा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी बनेगी इसमें? कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगी। इमेजिन कर रहे हो? तो राइट यहां रखा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कंसेंट्रिक सर्कल्स। इमेजिन कर रहे हो इधर? अब दूसरी लूप जो इधर पड़ी है उसमें भी करंट इधर जा रहा है, तो उसके अंदर जब थंब यहां रखा, पॉइंट तो यहां रह गया अब, तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर बनेंगी। अब सोचो ना एक मिनट के लिए, दो लूप्स जा रही हैं, दोनों में करंट ऐसे जा रहे हैं, तो एक में जब रखोगे थंब इधर तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलेंगी, और दूसरे पे रखोगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलेंगी, तो दोनों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक ऐसे निकल रही है तो दूसरी ऑपोजिट निकल रही है, और दोनों एक दूसरे की वैल्यू को क्या कर जाएंगी? कैंसल। तो वेक्टर सम हो जाएगा कहीं पर। इसलिए कहीं जब यहां कोई पोजीशन ली जाती है या बाहर पोजीशन ली जाती है, तो एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर ऊपर जा रही है तो दूसरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसकी वजह से कहां आएगी? नीचे आएगी, जो बाहर कैंसिल करनी शुरू कर देती है। इस वजह से बहुत स्ट्रांग फील्ड डेवलप नहीं हो पाता इस सॉलोनॉइड के बाहर, और ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड कहां डेवलप हो पाता है? एक्सिस के ऊपर, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। हालांकि आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये कोई एक्सप्लेनेशन कोई पूछता नहीं है कि वहां जीरो क्यों हुआ, आप अपना सीधा लिख देना कि यहां निग्लिजिबल वैल्यू होती है और सीधा जीरो पुट करेंगे, ठीक। इसके बाद ये बी डॉट डीएल आ गया। मैंने इसमें बी डॉट डीएल कैसे निकाला? डॉट प्रोडक्ट से निकाला है। लेकिन हमें क्या यूज करना है? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि बी डॉट डीएल कैसे निकलेगा? म्यू नॉट टाइम्स क्लोज्ड पाथ के अंदर कितना करंट जा रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दो। अब क्लोज्ड पाथ में कितना करंट जा रहा है? आई करंट जा रहा है, तो होना क्या चाहिए था? म्यू नॉट इंटू आई होना चाहिए था, म्यू नॉट इंटू आई होना चाहिए था, बट आई नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एल लेंथ है, ये एल लेंथ ऑफ क्लोज पाथ है, तो इस क्लोज्ड पाथ इसके अंदर ये कितने टर्न्स हैं? मैं ये कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, छोटा एन। छोटा एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये क्लोज्ड पाथ की लेंथ कितनी है? एल। तो अगर मैं कहूं कि बताओ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इस क्लोज्ड पाथ में, तो आपका आंसर क्या होगा? एन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एल से। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया? नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक टर्न में करंट कितना घूमा? आई। दो टर्न्स में टू इंटू आई डबल, तीन टर्न में थ्री इंटू आई, और एन इतने टर्न्स में दिस इंटू आई। आप ये सोच रहे होंगे नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करंट थोड़ा बढ़ जाएगा, करंट तो सेम ही रहेगा, करंट तो घूम घूम के आगे जा रहा है, करंट थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स से इसलिए मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि हमने एक रिजल्ट किया था लास्ट टाइम कि अगर एक सर्कुलर लूप है, अगर एक सर्कुलर लूप बी जनरेट करती है अपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर ए की जगह दो सर्कुलर लूप्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस हो जाता है, और अगर थ्री सर्कुलर लूप्स हो तो थ्राइस हो जाता है, और अगर एन सर्कुलर लूप्स हो तो एन टाइम हो जाता है। यानी कि वायर को बार बार घुमाने से मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम हो जाता है। तो वही इसमें हो रहा है,
अगर मैं यहाँ नहीं लिखूंगा तो फिर तो आप कितने भी नंबर ऑफ टर्न दोगे, बी तो चेंज ही नहीं होगा। तो यहां पर मुझे कितनी बार करंट घूमा, एन नंबर ऑफ टर्न में घूमा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट इंटू आई नहीं आएगा, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न इंटू आई आएगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतना ही बी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक? तो एक बार हमने बी डॉट डी एल निकाला क्लोज बी डॉट डी एल से, एक बार एम्पियर सर्किट लॉ से, दोनों को इक्वेट कर दो। जब इस वैल्यू को बी इंटू एल को इसके साथ इक्वेट करोगे म्यू नॉट इंटू एल इंटू आई, तो यहां से एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसल, और बी का एक्सप्रेशन आएगा म्यू नॉट एन आई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी लॉन्ग सोलेनोइड के एक्सिस के ऊपर बी का फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये याद रखना है, यहां पर एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। और अगर ये सोलेनोइड के एंड पॉइंट्स पे मैं बी पूछूं, एंड पॉइंट कभी तो लॉन्ग सोलेनोइड खत्म होगा, तो ये वैल्यू डिवाइड बाय 2 हो जाती है। पर ये अभी रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका प्रूफ कराऊंगा ऐसा क्यों होता है किसी और टॉपिक में। यहां तक क्लियर है प्रूफ करना? तो सोलेनोइड के एक्सिस पे बी का फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई, फिर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।